मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार छहत्तरी स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ इस गौरवपूर्ण अवसर पर आपको संबोधित करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है एक स्वाधीन देश के रूप में भारत पचहत्तर साल पूरे कर रहा है चौदह अगस्त के दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है इस स्मृति दिवस को मनाने का उद्देश्य सामाजिक सद्भाव मानव सशक्तिकरण और एकता को बढ़ावा देना है 15 अगस्त उन्नीस के दिन हमने औपनिवेशी शासन की बेड़ियों को काट दिया था उस दिन हमने अपनी नियति को नया स्वरूप देने का निर्णय लिया था उस शुभ दिवस की वर्षगांठ मनाते हुए हम लोग सभी स्वाधीनता सेनानियों को सादर नमन करते हैं उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया ताकि हम सब एक स्वाधीन भारत में सांस ले सके भारत की आज़ादी हमारे साथ साथ विश्व में लोकतंत्र के हर समर्थक के लिए उत्सव का विषय है जब भारत स्वाधीन हुआ तो अनेक अंतर्राष्ट्रीय नेताओं और विचारकों ने हमारी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की सफलता के विषय में आशंका व्यक्त की थी उनकी इस आशंका के कई कारण भी थे उन दिनों लोकतंत्र आर्थिक रूप से उन्नत राष्ट्र तक ही सीमित था विदेशी शासकों ने वर्षों तक तो भारत का शोषण किया था इस कारण भारत के लोग गरीबी और अशिक्षा से जूझ रहे थे लेकिन भारतवासियों ने उन लोगों की आशंकाओं को गलत साबित कर दिया भारत की मिट्टी में लोकतंत्र की जोड़े लगातार गहरी और मजबूत होती गई अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में वोट देने का अधिकार प्राप्त करने के लिए महिलाओं को लंबे समय तक तो संघर्ष करना पड़ा लेकिन हमारे गणतंत्र की शुरुआत से ही भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया इस प्रकार आधुनिक भारत के निर्माताओं ने प्रत्येक वयस्क नागरिकों को राष्ट्र निर्माण की सामूहिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान किया भारत को यह श्रेय जाता है कि उसने विश्व समुदाय को लोकतांत्रिक की वास्तविक क्षमता से परिचित कराया मैं मानती हूँ कि भारत की ये उपलब्धि केवल संयोग नहीं थी सभ्यता के आरंभ में ही भारत भूमि के संतों और महात्माओं ने सभी प्राणियों की समता व एकता पर आधारित जीवन दृष्टि विकसित कर ली थी महात्मा गांधी जैसे महानायक के नेतृत्व में हुई स्वाधीनता संग्राम के दौरान हमारे प्राचीन जीवन मूल्यों को आधुनिक युग में फिर से स्थापित किया गया इसी कारण से हमारे लोकतंत्र में भारतीयता के तत्व तो तो दिखाई देते हैं गांधी जी सत्ता के विकेंद्रीकरण और जनसाधारण को अधिकार संपन्न बनाने के पक्षधर थे पिछले पचहत्तर सप्ताह से हमारे देश में स्वाधीनता संग्राम के महान आदर्शों का स्मरण किया जा रहा है आजादी का अमृत महोत्सव मार्च 2021 में दांडी यात्रा की स्मृति को फिर से जीवंत रूप देकर शुरू किया गया है उस युगात आंदोलन में हमारे संघर्ष को विश्व पटल पर स्थापित किया था उसे सम्मान देकर हमारे इस महोत्सव की शुरुआत की गई ये महोत्सव भारत की जनता को समर्पित है देशवासियों द्वारा हासिल की गई सफलता के आधार पर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प भी इस उत्सव का हिस्सा है हर आयु वर्ग के नागरिक पूरे देश में आयोजित इस महोत्सव के कार्यक्रम में उत्साह पूर्वक भाग ले रहे हैं ये भव्य महोत्सव अब हर घर तिरंगा अभियान के साथ आगे बढ़ रहा है आज देश के कोने कोने में हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों के प्रति इतने व्यापक स्तर पर लोगों में जागरूकता को देखकर हमारी स्वाधीनता सेनानी अवश्य प्रफुल्लित हुए होते हमारा गौरवशाली स्वाधीनता संग्राम इस विशाल भारत भूमि में बहादुरी के साथ संचालित होता रहा अनेक महान स्वाधीनता सेनानियों ने वीरता के उदाहरण प्रस्तुत किए और राष्ट्र जागरण की मसाल अगली पीढ़ी को सौंपे अनेक वीर योद्धाओं तथा तो उनके संघर्षों विशेषकर किसानों और आदिवासी समुदाय के वीरों का योगदान एक लंबे समय तक सामूहिक स्मृति से बाहर रहा पिछले वर्ष से हार 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है